गूगल मैप लिंक और गूगल का बैक लिंक, यानी गूगल मैप बिजनेस के लिए हमने गूगल के मैप लिंक पे कैसे हम लोग साइटेशन एक तरह से क्रिएट करते हैं, इस पर हमने बात किए थे पिछले 2-3 वीडियो में। हमारे एक सब्सक्राइबर है गो गोपाल जी, इन्होंने कमेंट किया, थैंक यू सर फॉर प्रोवाइडिंग सच वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, प्लीज सर GMB बैकलिंक्स क्रिएशन पे भी एक डिटेल वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो होगी GMB यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जिसको पहले गूगल माई बिजनेस GMB कहा जाता था, उसकी बैकलिंक कैसे क्रिएट करेंगे और उसके बारे में हम लोग स्टेप बाई स्टेप जानेंगे आज की इस वीडियो में। यदि आप भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को लोकल SEO के रूप में बूस्ट कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट, लेकिन इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको देखना होगा अंत तक। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ गुड्डू कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं GMB बैकलिंक के लिए। तो सबसे पहले आपको चलना होगा डेस्कटॉप पे, तो हम आ गए यहाँ डेस्कटॉप पे। अब यहाँ डेस्कटॉप पे सेम प्रोसेस होता है, यानी आपको माई मैप में आप ऐसे कर सकते हैं, गूगल माई मैप जैसे करते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। यानी गूगल माई मैप पे क्लिक करेंगे तो जो नीचे आपको लिंक मिलता है, इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए गूगल माई मैप पे। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसी लिंक पर आएगा जो कि हमने ऑलरेडी उसका बुकमार्क क्रिएट करके रखा है। अब यहीं पे हम लोग हालांकि मैप लिंक भी बनाते हैं और बनाए भी थे पिछले वीडियो में आपने देखा था, और यहीं पे हम लोग को बैक लिंक भी बनाना है। देखिए मैप लिंक या साइटेशंस की जब बात आती है तो वहाँ मेनली आपका NAP ध्यान में रखा जाता है, नेम एड्रेस फोन नंबर, ये एक इन्फॉर्मेशन तीनों, यानी कि बिजनेस का नाम एड्रेस और फोन नंबर आप किसी भी डायरेक्टरी में सबमिट करते हैं या गूगल मैप पे अलग अलग पॉइंट पे सेट करते हैं। बट बैकलिंक अलग चीज होता है, यहाँ पर आपको एक लिंक प्रोवाइड करना होता है जहाँ से कि यूजर आपके GMB पे जा सकता है, आपके वेबसाइट पे जा सकता है। तो उसके लिए भी आपको, जैसे पिछले बार हम बताए थे कि जब भी आप क्रिएट करेंगे किसी के लिए भी, तो सबसे पहले आप उसकी डिटेल, जैसे हमने यहाँ पे जस्ट ओपन कर लेते हैं नोटपैड को, तो नोटपैड में हमने आपको यहाँ बिजनेस नेम एड्रेस फोन नंबर, जो कि हम लोग गूगल मैप साइटेशंस बनाने के लिए जो डिटेल है वही तमाम डिटेल रखेंगे और आपके जो कीवर्ड्स हैं वो भी रहेंगे। इसमें काम आप ये कर सकते हैं कि आपकी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो लिंक है उसको भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे हमने जस्ट यहाँ वेबसाइट है, इसके बाद यहाँ पे यूज कर लेते हैं GMB लिंक, ठीक है। अब यहाँ पे उसका लिंक हम लाते हैं। अब कैसे लाएंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे कैसे जाना ऑलरेडी बता चुके हैं, आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो जरूर आपको पता होगा। सिंपल गूगल में लॉग इन करना है और 6 डॉट पे क्लिक करके गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर होता है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप चले आएंगे डैशबोर्ड पे। इसके बाद यहाँ राइट साइड में फोटो दिखेगा, यहाँ पे आप ये एरो जैसा दिख रहा है सिंबल, इसी एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे मैप में, आप नीचे में आएंगे, यहाँ पे आपको एक शेयर बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ लिंक टू शेयर आपका आ जाएगा। जस्ट इस पर क्लिक करके इस लिंक को कॉपी कर लेना है। अब आपको यहाँ पे GMB लिंक में आप पेस्ट कर सकते हैं, हालांकि आप चाहे तो सिर्फ वेबसाइट से भी यूज कर सकते हैं, या ये आप दे दिए तो एक एडिशनल लिंक भी आ गया आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए। तो ये कंप्लीट रूप से हमारी बिजनेस इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। अब इसी का उपयोग करके हम लोग को बनाना होगा गूगल, यानी कि गूगल माई बिजनेस बैक लिंक। तो इसके लिए सिंपल हम यही काम करते हैं, क्रिएट ए न्यू मैप पे देन क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग आ गए यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे। अब आपको ध्यान से देखने वाली जो बात है मेन वो ये है कि आप किस लोकेशन के लिए ये जो है आप एक तरह से जो गूगल का ये बैकलिंक है क्रिएट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपको सर्च करना होगा। जैसे मानकर चलिए कि हम मिल रोड नवादा आरा करते हैं, आप भी सर्च करेंगे जैसे मैंने ये जस्ट सर्च किया। अब देखिए ये उस लोकेशन पर पॉइंट कर गया। अब हमारी ये बिजनेस का लोकेशन हो सकता है या बिजनेस के थोड़ा सा अगल बगल हो सकता है या कहीं और भी हो सकता है,
तो इस लोकेशन पर इन्होंने ये पिन किया है, इसी को हम यहाँ पे ऐड टू मैप पर क्लिक करते हैं, इसी लोकेशन पर हमको बनाना है अपना जो बैक लिंक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो ये अनटाइटल मैप है, यहाँ आपको देना होगा उस कीवर्ड को जिस पर आप रैंक कराना चाहते हैं अपने बैक लिंक को। तो जैसे मानकर चलिए कि हम यहाँ पे कराना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। जब हम लोग गूगल बिजनेस का जो साइटेशंस क्रिएट करते थे, तो यहाँ पे आप देखे होंगे हम लोग यूज कर रहे थे बिजनेस का नाम, बट यहाँ पे मैप साइटेशन यूज करेंगे और डिस्क्रिप्शन में ये तमाम चीज़ें आप यूज कर लेंगे, यानी जस्ट बिजनेस नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, उसमें सारा जो लिंक है वो सभी आप जस्ट पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे इसको आपको कर लेना होगा सेव। अब एक चीज़ और यहाँ पे, ये तो यहाँ डिटेल हो गया, अब यहाँ देखिएगा यहाँ जो स्टाइल है आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा इसकी जो कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ आएंगे एडिट में, अब यहाँ देखिए दिखा रहा है आपका मिल रोड। ठीक है, तो आप इस मिल रोड को जो बाय डिफ़ॉल्ट लिया है, यहाँ भी आपको डालना होगा ये वाला कीवर्ड जिस कीवर्ड पे आप चाह रहे हैं, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी। तो हमने यहाँ पे जस्ट इसके टाइटल में डाल दिया और अगेन डिस्क्रिप्शन में ये तमाम चीज़ें हो जाएगी। तो यहाँ पे हम ये डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ, इस लोकेशन पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया सेव। अब इसके बाद ये आता है आपका ऐड इमेज और वीडियो। तो चलिए कोई इमेज हम यहाँ ऐड कर लेते हैं, आप चाहे तो अपने बिजनेस का लोगो भी यूज कर सकते हैं। हमने ब्राउज बटन पर क्लिक किया और यहाँ से एक हम इमेज ले लेते हैं, और वो इमेज आपका चलिए ये रहा हिंदी में, गूगल सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ये इमेज है, तो ये इमेज हमने यूज कर लिया। अब इसके बाद हम जस्ट सेव बटन पर क्लिक करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसका भी काम मेरा हो गया कंप्लीट रूप से, यानी कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट रूप से ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ अनटाइटल है, इसको भी आप वहीं यानी कि जो आपका कीवर्ड है उसी कीवर्ड को यूज कर लीजिए, क्योंकि जो गूगल है वो पूरी की पूरी कीवर्ड का गेम होता है। तो आप जैसे बिजनेस का नाम यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे आपका कीवर्ड आ गया। तो इस प्रकार से ये आपका एक बैकलिंक जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको आपको करना क्या है, इसको शेयरेबल भी बनाना होगा ताकि यूजर को ये पब्लिकली शो हो सके। तो जस्ट शेयर पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर एनीवन विद दिस लिंक कैन व्यू, और इसको भी लेट्स अदर सर्च फॉर एंड फाइंड द मैप ऑन द इंटरनेट। इसके बाद शेयर ऑन ड्राइव कर देंगे एंड इसके बाद हम यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका लिंक जो है पब्लिकली हो गया, आप कोई भी सर्च करेगा तो इस तरह से ये आपकी बैक लिंक आपके लोकल एसईओ को बूस्ट करने में हेल्प करेगा किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। इस तरह से आप जीएमबी का बैक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। और यहाँ पे जो हमारे कमेंट किए थे गो गोपाल जी, तो आपके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो था। यदि आप भी बिजनेस ओनर है या डिजिटल मार्केटर, किसी दूसरे बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करते हैं, लोकल एसईओ करते हैं या जीएमबी पे काम करते हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। और उम्मीद है कि इस वीडियो की सहायता से आप जीएमबी की बैकलिंक क्रिएट करेंगे और बिजनेस को इम्प्रूव कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।